सीतापुर नगर पालिका प्रशासन की भारी लापरवाही सामने आई है। गौशाला में बिजली के करंट से 7 गायों की मौत का मामला सामने आया है। बिना कर्मचारी के चल रही गौशाला, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। अंतिम संस्कार की तैयारी, थाना क्षेत्र खैराबाद के गौशाला का ये मामला है जहां पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच में जुटी है पुलिस की टीम। थाना क्षेत्र खैराबाद के गौशाला का ये मामला है। तो सीतापुर नगर पालिका प्रशासन की भारी लापरवाही सामने आई है जहां पर गौशाला में बिजली के करंट से 7 गायों की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर जांच चल रही है पुलिस की तरफ से। बिना कर्मचारी के चल रही थी ये गौशाला, कोई भी कर्मचारी यहां पर काम नहीं करता था, बिना कर्मचारी की थी ये गौशाला। इन सबके बीच सवाल ये पालिका प्रशासन पर कि आखिर इस पूरे मामले पर संज्ञान पहले क्यों नहीं लिया गया। क्या इस बात की जानकारी सीतापुर नगर पालिका प्रशासन को नहीं थी कि जो गौशाला है वो बिना कर्मचारियों के चल रही है, और फिलहाल जिस तरह से ये मामला सामने आया है, बिजली के करंट लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सीतापुर नगर पालिका प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल खड़े होंगे क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, गौशाला में बिजली के करंट की वजह से 7 गायों की मौत हो गई। देखिए अनन्या, ये आज सुबह की घटना है खैराबाद गौशाला पे, जो बिना कर्मचारी की चल रही थी। कर्मचारी वहां पे नहीं था और करंट लगने से एक के बाद एक करीब 7 गायों की मौत हो गई। उसके बाद नगर पालिका को जानकारी मिली, नगर पालिका के साथ साथ जो अन्य विभाग के अधिकारी थे पशुपालन, वो मौके पे पहुंचे, उन गायों का अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया चल रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, गौशाला को लेकर के, गायों को लेकर के योगी सरकार लगातार इस मामले पे बड़े एक्शन प्लान तैयार कर रही है और गायों को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ बाकायदा गौ सेवा आयोग बना रखा है, तथा संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों को गौशालाओं को लेकर के निर्देश दिए हैं। उसके बावजूद बगैर कर्मचारी के अगर गौशाला चल रहा था तो कहीं ना कहीं इसमें नगर पालिका के साथ साथ जो जिला प्रशासन है उसकी लापरवाही है। इस तरीके की घटना से जो सामने आई है कि करंट लगने, अगर कर्मचारी मौके पे होता तो हो सकता था इस घटना को बचाया जा सकता था। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो नगर पालिका के साथ जिला प्रशासन इसमें जिम्मेदार है। हालांकि अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है, प्रशासन भी अपने स्तर से जांच कर रहा है, लेकिन इस मामले पे अब तक जिला प्रशासन सीतापुर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद आखिर सीतापुर प्रशासन और नगर पालिका चुप्पी क्यों साधे हुए है। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं हो सकता है अगर नगर पालिका की तरफ से इस पूरे मामले पर पहले ही संज्ञान लिया गया होता तो शायद इस तरह की बड़ी घटना ही नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मामला है। गौशाला है जिसमें तमाम गायें हैं और वो बिना कर्मचारी के है, वहां पर कोई भी शख्स काम नहीं करता है। जी बिल्कुल, अगर ये पहले ही इस तरीके से जिला प्रशासन या नगर पालिका अगर सक्रिय रहता, कार्रवाई करता, तो हो सकता है इतनी बड़ी घटना न घटित होती। लेकिन ऐसी घटनाएं न घटित हो इसके लिए हर जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बकायदा निर्देश दिया था और आगे की कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश। लेकिन जो स्थिति आज सीतापुर में घटी है ये कहीं ना कहीं वहाँ के नगर पालिका के साथ साथ जिला प्रशासन की गलती आ रही है। इस पूरे मामले पर प्रशासन में किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कहना है उनका, कुछ बोलने को कोई तैयार है? देखिए, मेरी जिलाधिकारी सीतापुर अखिलेश तिवारी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा घटना का संज्ञान आया, हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी दोषी या जो भी स्थिति होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, अभी फिलहाल जांच चल रही है, और इस पे भी और कुछ बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पंकज बेहद गंभीर मामला है जिस तरह से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थाना क्षेत्र खैराबाद के गौशाला का ये मामला है जहाँ पर एक गौशाला में करंट लगने की वजह से 7 गायों की मौत हो गई। Thank you.